सबसे पहले आपको फ्लक्स लगाना है। पिन के सभी पॉइंट पे आपका फ्लक्स लगना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो ऑक्सीडेशन जो पहले से हुआ है वो रिमूव हो जाएगा और मेल्टिंग प्रोसेस में बहुत आराम होगा आपको। जब आप हीट मारेंगे 350 से 370 के बीच में मशीन से, तो आराम से आपका मेल्ट हो पाएगा और क्विकली मेल्ट होगा। कभी आप जर्किंग नहीं करेंगे ना पुल करेंगे उसे, आराम से देखिए जो शोल्डर आपका चमकने लगेगा पॉइंट्स, हाँ लेग्स के सामने देखिए जो शोल्डर है वो स्पार्कल करेगा आपका, तभी आपको ट्वीज़र से मदद से उठा लेना है उसे। बिल्कुल भी फोर्स मत लगाइए, आराम से ही निकलेगा वो, हाँ जब तक ले आप हीटिंग इवन कर रहे हैं। अभी आपको वापस इस पर फ्लक्स लगाना है। फ्लक्स लगाने से आपका डी सोल्डर प्रोसेस ईजी हो जाएगा। ये प्रोसेस करने का टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा फोर्स ना अप्लाई करें, या आपका ट्रैक डैमेज हो जाएगा या आपका कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसमें आपको बड़े हल्के हाथों से उस पर रब करना है, वो आराम से निकल जाएगा। आपका बस फ्लक्स इम्पॉर्टेंट है और विक आप आगे बढ़ाते रहिए जैसे ही अब्जॉर्व होते जाएगा। अभी आपको आइसोप्रोपाइन देना है। आइसोप्रोपाइन देने से आपका ये फ्लक्स रिमूव होगा, आपको एक क्लीन सरफेस होगा आपका न्यू पिन लगाने के लिए। ब्रश की मदद से अच्छे से साफा कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्रोफेशनल टेक्निक है, तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसमें जो आप शोल्डर पीस लगाएंगे वो बहुत पेपर थिन हो गए, आप लेग्स पे तो लगा सकते हैं थोड़े थिक, लेकिन जहाँ आपका ये पॉइंट्स है वहाँ पे आपको पेपर थिन लगाना है, पेपर थिन जैसा शोल्डर पीस लगाना है। देखिए मैं बहुत एकदम पतला सा शोल्डर पीस लगाऊंगा जिससे कोई एक्सेस अमाउंट नहीं होगा, जो एक्सेस अमाउंट होगा हम हटा लेंगे। देखिए साइड से भी मैंने हटा लिया, इस कोने से भी हटा लिया। अभी पिन प्लेस कीजिए, जो चार्जिंग जैक है उसको प्लेस कीजिए उसके ऊपर। आपका ये पॉइंट्स है वो तो आपका क्लियर है, तो आप बस पुश करेंगे तो अंदर चले जाएगा। अभी आपको इसका हीटिंग देना है। ये ध्यान रखिए जो शोल्डर पीस आपने यूज़ किया है वो 180 सेल्सियस पे मेल्ट होता है, तो आपको हीटिंग देना है 200 से 250 सेल्सियस पे। जब आप ये 200 से 250 सेल्सियस देंगे तो ईजिली मेल्ट हो जाएगा। अभी बस इवनली हीट दीजिए। ये ध्यान रखिए चार्जिंग पिन पे हीट नहीं देना है, आपको कॉर्नर्स में हीट देना है। कॉर्नर्स में हीट देंगे तो देखिए मेल्ट हो गया और देखिए लेग एक भी नहीं चिपका है। अभी आप शोल्डर आयन की मदद से इसे रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप ये चार्जिंग जैक लगाते हैं तो उसके लेग्स को अच्छा से शोल्डर कीजिए कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए। मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स इसको छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स अभी लास्ट काम बचा है, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को शोल्डर कीजिए और शेयर बटन को मैक्स हीट और मैक्स एयर के साथ फ्लो कीजिए।